बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है आपको। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, आज हम बात करने वाले हैं बैटरी की टाइमिंग के बारे में। बैटरी की टाइमिंग, आई थिंक हमारे मोबाइल जो होते हैं ना, वो बैटरी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, या कोई भी मसला होता है जिसकी वजह से हमारे मोबाइल की बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो हम कैसे अपने मोबाइल की बैटरी को सेफ़ रख सकते हैं, और किस तरह हमारे मोबाइल की जो बैटरी है लॉन्ग टाइम तक चल सकती है। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मैं आज के आपके लिए बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन लेके आया हूँ। इस एप्लीकेशन की मदद से आपके मोबाइल की जो बैटरी है ना, मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छी चलेगी। तो पहली बात तो ये है, ये ऑप्शन, ये इस एप्लीकेशन को मैं खुद ही यूज़ कर रहा हूँ। हम मोबाइल को चार्जिंग लगाते हैं और चार्जिंग लगा के चले जाते हैं, या पास ही बैठे होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हमारी बैटरी 100% हो जाती है। तो ये ऑन कर देने से हमें बताएगा कि हमारे मोबाइल की बैटरी फुल हो चुकी है, अलार्म बजाएगा। तो ये हमारा मोबाइल चार्जिंग कैसी कर रहा है, फास्ट स्लो किस तरह की, ये भी बताएगा हमें, और यहाँ पर फुल वार्निंग देगा। उसके बाद अगर हमें नहीं होते हैं मौके में मौजूद कमरे में, तो ये हमारी जो बैटरी होती है ना, उसको यानी कि बाहर निकलना शुरू कर देता है, जो ज़ाया करना शुरू कर देता है। मैं साफ लफ्ज़ों में आपको समझाऊँ तो यानी कि ओवर चार्जिंग को ख़त्म करना शुरू कर देती है ये एप्लीकेशन। अच्छा, दूसरा जो है ये है सेव। यहाँ पर अगर सेव मोड पे आ जाएं, तो यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि आप भाई कितनी देर के लिए ये लगाना चाहते हैं। सेव मोड में आपके पास ब्लूटूथ वगैरह ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में बैटरी बहुत ही आई थिंक कम है, और आप कहते हैं कि 3-4 घंटे या 5 घंटे चल जाए कॉल और SMS के लिए, तो ये कह रहा है ओनली एक्टिव फ़ोन एंड SMS टू बी यूज इन लो बैटरी स्टेटस। तो आप इसमें से सिर्फ और सिर्फ SMS और कॉल कर सकते हैं, वो भी आपका एक दिन निकाल जाएगी आराम से। और स्लीप मोड पे आप लगाएं, तो आप जानते हैं कि हमारी जो स्क्रीन है वो सेवर ऑन हो जाएगा, और हमारी बैटरी बहुत कम यूज़ करेगी। कस्टमाइज तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यूज़ करें। उसके बाद है फ़ोन क्लोन। इससे ये होगा कि ये हमारा जो मोबाइल का CPU है उसे कूल कर देगा। ये 5 मिनट हमसे लेगा, उसके बाद ये हमें कूल करके देगा। तो ये बहुत ही थोड़ी देर का प्रोसीजर है, आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि मैं अगर वीडियो में इसे रिकॉर्ड करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो दूसरा है क्लीन जंक, तो इसे मैं ओके कर देता हूँ। अक्सर ऐसे होता है कि हमारे मोबाइल के बैकग्राउंड में बहुत सारी फाइल रनिंग करती रहते हैं, और बहुत सारी फाइल्स खुद ब खुद बन जाती हैं, फोल्डर बन जाते हैं। तो ये उन फाइल को और गैर जरूरी जो फालतू चीज़ें हैं उनको डिलीट कर देगा। उसके बाद है ऑप्टिमाइज, तो ये हमें बताएगा कि हमारी जो बैटरी है वो कितना टाइम तक चल सकती है, और कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज़ हो रही है। तो ये हमें बताएगा कि हमारी बैटरी कितनी देर तक चल सकती है। ये 19 घंटे और 10 मिनट मेरी बैटरी चल सकती है, और आप देख लें मेरी बैटरी 35% खड़ी हुई है सिर्फ। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि ये एप्लीकेशन आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।